तो गाइस हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो एक नए व्लॉग के साथ जो यहाँ पर टिकट बारी है, ये भाई यहाँ पर टिकट दे रहे हैं। भाई बड़ों का क्या रेट है टिकट का? 30 और बच्चों का? बच्चों का आप यानी 15। तो फाइनली हमने टिकट ले लिए और यहाँ पर आपको 3 विंडो टिकट की मिल जाएगी। और मैं तो इतना उत्साहित हूँ कि अटल ब्रिज को कब जाके देखूँ। बस अब टिकट ले लिए और हम सब जा रहे हैं फैमिली देखते आके। बड़े भाई जो टिकट लेके आया है सब हो गई टिकट मिला के, तो चलते हैं अटल ब्रिज की ओर। चलिए तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अटल ब्रिज के सामने, और यूएस के ब्रुकलिन ब्रिज से भी ज़्यादा खूबसूरत ये अटल ब्रिज फुट ओवर वाटे में। तो फाइनली हम आ पहुँचे हैं अटल फुट ओवर ब्रिज पे। अब देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत ये ब्रिज बना। तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर जो ऊपर जो शेड लगे हुए है रेड ब्लू ऑरेंज, वो अपने आप में काफ़ी बीच को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ से थोड़ा आप आगे चल के आओगे तो यहाँ से नीचे जाने का जो रिवर फ्रंट का रास्ता है, वो भी यहाँ से नीचे होकर आपको सीधा अटल ब्रिज से ही मिल जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर उन्होंने बंद कर रखा है। टिकट जब बारी होती है वहाँ से कलेक्ट करके आपको मेन फेस से ही आना पड़ेगा। तो यहाँ सब आज क्राउड भी ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं गाइस जो ऊपर के जो शेड लगे हुए हैं वहाँ पे एकदम एट्रैक्टिव लुक आता है, क्योंकि रात का जो यहाँ का नज़ारा है ना, वो उस पर जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, तो देखने में भी और भी मज़ा आता है। और हर शेड के हिसाब से अलग अलग लाइटें LED इन पर फोकस करती है, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने के लिए। तो फिलहाल जीजू और काव्या ज्योति और पांजी सब आ रहे हैं पीछे हमारे, तो देखते हैं और भी आगे कि कैसा बना है ओवर ब्रिज। और थोड़ा आगे आते ही आप देख सकते हैं एक साइड है सरदार ब्रिज और एक साइड है आपको पीछे मिलेगा एलिस ब्रिज, और इन दोनों के बीच में ये आया है अटल फुट ओवर ब्रिज। तो देख सकते हैं गाइस तो ज्योति फाइनली कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ पर आके? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं अहमदाबाद आऊँगी तो मैं यहाँ पे बार बार आना पसंद करूँगी, क्योंकि मतलब बहुत खूबसूरत ये अटल ब्रिज बनाया है। अटल ब्रिज आप यहाँ पे देख सकते हैं, कांच के इन्होंने यहाँ पे साइड पे ये लगा रखे हैं ये स्टैंड, जैसे कि इससे हाँ यहाँ से भी पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपको। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पुल के बीच में पूरा कैंट की, वो तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें पुल के बीच में ये कैंटीन भी एक मिल जाती है, जहाँ पे हमें कोल्ड ड्रिंक्स की और आइसक्रीम वगैरह आप जो खाना पसंद करोगे तो, या फैमिली के साथ बैठ के भी आपको अलग सी वाइब आएगी, देखने को फील आएगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरा रिवर फ्रंट बना हुआ है या साबरमती, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा गाइस। अगर आप यहाँ पर आते हो तो एकदम अलग सा आपको यह माहौल दिखेगा और काफ़ी भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम के हर बार हम यहाँ पर आए और देखें फैमिली के साथ, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ ना हो तो कुछ मज़ा ही नहीं है। और इस पुल के यहाँ पर खड़े होने के बाद मतलब देखने अच्छा का आता है, आपको फोटो अच्छी लेनी है, और यहाँ पर पूरा सनसेट भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि अपने आप में एक वाक्य में अलग सा है। ये है मोर आइसक्रीम बना के आगे पूरा फिश मतलब उन्होंने पूल में बताया हुआ ये फिश है हाँ, और यह सारे प्लांटेशन भी दिख जाएंगे और स्वच्छता को लेकर।
ऐसे आप खाने पीने की चीज़ें वगैरह खाते हो तो आप डस्टबिन में ही कचरा कूड़ा फेंक दीजिए। और यहाँ पर एक जो कांच का शीशे का जो एक अलग सा लुक दिया गया हुआ है आप देख सकते हो गाइस, नीचे साबरमती नदी दिख रही है। आपको अभी तो नहीं दिखेगी क्योंकि अभी थोड़ा ग्लास थोड़ा ख़राब हो चुका है धूल मिट्टी से लग के, बट आप अगर साफ सुथरा होता तो एकदम नीचे आपको साबरमती रिवर दिख जाती है। तो काफ़ी भी खूबसूरत है ये ब्रिज, और ऐसा लगता है कि थोड़ा कुछ मिसिंग हो रहा है आपको दिखाने में, कुछ रह ना जाए। और यहाँ सारे बर्ड्स सारे कुछ बहुत आते हैं यहाँ पर। और एक और कैंटीन मिलेगी आपको अमूल की, अगर आप अमूल की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर हैवमोर और यहाँ पर अमूल, ये दोनों की कंपनियों की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब कि अपने आप में बहुत ही यहाँ पर जगह जगह आप देखो। अब हम थोड़ा तो आगे के चल के आए तो ये थोड़ा वुडन में बना रखा है, तो आप चलोगे तो थोड़ा आपको फील आएगी वुडन की। और इस ब्रिज के नीचे यहाँ पे भी एक शीशा लगा हुआ है, और यहाँ भी आप ट्रांसपेरेंट भी देख सकते हो कि नीचे जो है वो काफ़ी भी पूरा ये ग्लास लगा हुआ है, इसके नीचे पूरा आपको ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा पानी और पूरा ब्रिज का बना हुआ है। और अभी नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कचरा वो जम रखा है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो आगे जाके हम देखते हैं। तो गाइस आप अगर गुटका वुटका खाते हो तो थोड़ा ध्यान रखेगा क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत लगाई गई है, और कैमरा सीसीटीवी कैमरा भी है, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेगा। यहाँ पर 200 रुपये फाइन देना पड़ेगा अगर आपको देख लिया किसी ने गुटका पान मावा, अब किधर भी अब थूकते हैं, तो उस चीज़ का आप खास ध्यान रखेगा। तो जीजू आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे? मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यार, इतने दिन से बन गया बट मैं आया नहीं था, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आप लोग आए सब तो मेरा भी साथ में शेड्यूल बन गया आने का इधर। चलो कोई बात नहीं, इसके हिसाब से आपने भी देख लिया यार। नरेंद्र भाई मोदी की मेहरबानी है और गुजरात के लिए सबसे अच्छा काम किया हुआ है। गुजरात के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहा है। पूरे इंडिया के लिए, पूरी दुनिया नहीं बट पूरे इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहा है। और ये ब्रिज भी बनाए इस हिसाब से कि पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा जो पूरा अपने आप में एक अलग सी वाइब आती है इसको देखने के लिए। जी बिल्कुल, और काफ़ी भी अच्छा बन रखा है। अब एंड तक आगे पूरा फिनिश हो जाता है ना। कल ये हमारे साथ जीजू थे तो उसने पहली बार वो भी आए और उसको भी ये मौका मिला जब हम कल आए थे यहाँ पर अहमदाबाद। तो यस यूट्यूब चैनल है? हाँ यूट्यूब चैनल है। देखो ब्लॉगर को ब्लॉगर मिल गया। अरे आपके चैनल का क्या नाम है? द वैष्णव लाइफ। आपके? और डेली ब्लॉग्स। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं आपको बाद में दे दूंगा मेरी लिंक और मैं आपकी लिंक ले लूँगा, शेयर करेंगे, ठीक है? हाँ। तो ये हमारे साथ थे, ये भी एक ब्लॉगर थे, तो उन लोगों ने ब्लॉगिंग करते हैं तो वो भी हमारी तरह इस फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, तो अच्छा है। आप देख सकते हो मैं पूरा अभी ख़त्म हो रहा है ये यहाँ से लेकर आगे तक, तो फिलहाल तो अभी बहुत ही सारा क्राउड है। अगर आप गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर है ना थोड़ी एलईडी लाइट लगी हुई है, अगर ये यहाँ पे ऊपर से लेकर यहाँ पर ये कलर पे कलर रंगबीन पे थोड़ी इस पर रिफ्लेक्ट करती है लाइट, और उसका जो नाइट का व्यू है वो काफ़ी भी अलग सा आता है। पूरी हर शेड पे पूरा अलग अलग, जैसे ग्रीन येलो रेड और ब्लू उस पर सारी रिफ्लेक्ट करती है, तो यहाँ पर एक अलग सी पूरी लाइटिंग होती है रात को, और उसका देखने का नज़ारा काफ़ी भी अलग सी होता है। अगर हम देखो अगर रात तक रुके तो हम आपको बताएंगे, अब रात को आए तो यहाँ पर थोड़ा माहौल भी अलग सा हो जाता है। पर भी ये कचरा कूड़ा आप गाइस यहाँ ब्रिज को ख़राब ना कीजिए, जो आप कचरा कूड़ा जो भी है तो आप इस डस्टबिन में डालिए, तब भी हमारा स्वच्छ भारत और पूरा स्वच्छ ब्रिज और लंबे समय तक आपको साफ सुथरा देखने को मिलेगा। तो कूड़ा कचरा आप जिस डस्टबिन में वही डस्टबिन में डालिए जहाँ यहाँ पर बनी गई है पूरी। और हमारे जो बहन है सफाई कर्मी कर्मचारी वो भी अच्छा काम कर रही है, हर घंटे में या साफ सुथरा रखते हैं।
ये पूरा ब्रिज बनाया है, तो यहाँ पर पान मावो की पिचकारी लोग लगाते हैं। तो ये प्लीज़ गाइस आप मत कीजिएगा, यहाँ साफ़ सुथरा रखेगा, क्योंकि ये लंबा समय तक हमें ये अच्छा देखने को मिले ब्रिज। ये देखो छोटा सा बच्चू खेल रहा है वो भी अटल टनल में ब्रिज पे। और ये गुजरात का सबसे एट्रैक्शन माना जाता है ये ब्रिज है, और काफ़ी भी इससे काफ़ी भी अच्छा टूरिज्म भी बढ़ेगा। ये अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच में आया। आज का व्लॉग होता है हमारा यहीं पे एंड।